कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समाजसेवी और शहर कांग्रेस व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेश गर्ग ने भाजपा सरकार पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को व्यापारियों को राहत देने वाली सरकार बताया है। शैलेश गर्ग ने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने व्यापारियों के लिए जो नीतियां बनाई है उससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जब व्यापारियों की समस्या लेकर उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा की तो उन्होंने तत्काल कमलनाथ सरकार को आदेश दिया और उसके बाद प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में काफी राहत भरे कदम उठाए हैं। देखिए, बात करें व्यापारियों की तो सबसे ज्यादा अगर कोई मरा है तो वो व्यापारी वर्ग मरा है, उद्योगपतियों का वर्ग मरा है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार से गुजराती होने के नाते लोगों ने ये आस की थी कि व्यापारी हित में काम करेंगे और व्यापारियों को टैक्स माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ करेंगे, कहीं ना कहीं उनका जो पेट्रोल डीजल और महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, व्यापारियों के खिलाफ जो टैक्सेस इतने लगातार लगाए जा रहे थे सरकार द्वारा, ये सब कम करेंगे, पर ये सब नहीं हुआ। कुल मिला के व्यापारी पूरी तरह से मरा हुआ है। नोटबंदी की बात करें, GST की बात करें या व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें, सभी प्रकार से केंद्र सरकार ने उनके साथ कुठाराघात किया और देश के अंदर व्यापारियों की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, जिसको लेकर व्यापारियों के हित में हमने व्यापारिक संवाद किया था, राहुल गांधी जी का एक प्रोग्राम संवाद के रूप में किया था, कई प्रकार के हमने आयोजन 5-7 जो मीटिंग की उसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर व्यापारियों ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन कर सरकार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बनाई, पूरे देश के अंदर उसका ऐतिहासिक परिणाम मिला। GST घटी, व्यापारियों के हित के अंदर सरकार को कोई फैसले लेना पड़े, पर अभी भी कई फैसले लेना बाकी है जो व्यापारियों हित में लेना पड़ेंगे। वो केंद्र में राहुल गांधी जी की सरकार बनाने के लिए पूरा व्यापारी वर्ग, उद्योग वर्ग पूरी तरह से तैयार है और आगामी समय में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं कुछ अन्य मुद्दों पर जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इंदौर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और कांग्रेस का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा।